हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त एंड कोच शेषु त्यागी। 14 नवंबर से चले 27 नवंबर तक के ट्रेड फेयर के दौरान क्या क्या गतिविधि ट्रेड फेयर में हुई, ये सब हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम के जरिए दिखाया। साधना न्यूज ने लगातार 14 नवंबर से 27 नवंबर तक चले ट्रेड फेयर के अंदर सारी वो चीजें दिखाई कि आप घर बैठे किस तरह से जब ट्रेड फेयर में आए तो कैसे शॉपिंग कर सके। तो ट्रेड फेयर में आपने जमकर खरीदारी की होगी, लेकिन ट्रेड फेयर की जो शान रही, दिल्ली की जो शान रही, वो थी उत्तराखंड, झारखंड और बाकी सभी राज्यों से आए कलाकार। आज ऐसे ही बहुत सारे कलाकार ट्रेड फेयर में पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ खास धमाल मचाया हुआ है दिल्ली के अंदर इन कलाकारों ने, आज के शो में हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं। कहते हैं कि भगवान की आराधना के बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता। ट्रेड फेयर में बहुत सारे कलाकार पहुंचे हुए हैं। दिल्ली के कलाकारों ने यहां पर समा बांधा हुआ है और सबसे पहले यहां पर कलाकारों ने शुरुआत करी साई भजन से। तो चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं भगवान साई का ये भजन। फलकनुमा थिएटर इस वक्त तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है और गूंजे भी क्यों ना, क्योंकि दिल्ली के कलाकारों ने यहां पर समा बांधा हुआ है। एक से एक बेहतरीन नगमे यहां पर पेश कर रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं वो नगमा जो अभी अभी यहां पर कलाकारों ने पेश किया, बहुत ही खूबसूरत आवाज में और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा थिएटर जिसकी वजह से गूंज पड़ा। जैसे आप सूफी भी गाते हैं, इसके साथ गज़ल भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं, तो कहा जाता है कि जो सूफी है वो बहुत मुश्किल है और बहुत सारे दर्शक हैं जो गाने की प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो उन दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, प्रैक्टिस का तो ये कि सबसे पहले आई फील कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो यू शुड एन्जॉय वॉट यू आर सिंगिंग। कनक जी, इतने सारे फैंस हैं आपके, साधना न्यूज़ पर भी बहुत सारे फैंस हैं, तो उनके लिए यहाँ पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ साधना न्यूज़ के माध्यम से मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, वैसे तो हमें नहीं लगता कि हम किसी काबिल हैं जो लोगों को संदेश दें, बट आई फील कि सबसे पहले हमारे लिए, लाइक फॉर मी, म्यूज़िक इज़ लाइक वर्शिप। और जो छवि देखी थी उगी
ख्वाबों के शहर लखनऊ से हैं मालिनी अवस्थी जी, और आपसे जहाँ पे जानना चाहूँगी कि सबसे पहली बार जब आपने स्टेज पे परफॉर्म किया तब कैसा आपको लग रहा था? पहली बार बहुत एक्साइटमेंट, थोड़ा सा डर, और इस बात का डर कि जो सीखा है, जो तैयारी, वो गा पाएंगे कि नहीं। पब्लिक का कोई डर नहीं था, गुरु का डर था कि वो डांटेंगे बाद में, पब्लिक तो बाद में मिलेगी भी नहीं। लखनऊ में मैं आई थी, मुझे याद है ये सन 78 की बात है, 77 की बात है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की प्रतियोगिता थी, तो स्टेट लेवल का कॉम्पिटिशन था क्लासिकल में, और गाने से पहले जो होता है बच्चों के संग, इतना गा लिया था और स्ट्रेन की वजह से गला बैठ गया था, और मेरी माँ गर्म दूध हल्दी में डाल के और पान का पत्ता यहाँ लगा के, लेकिन ईश्वर की कृपा, मैं जानती हूँ, मानती हूँ कि कलाकार सीखते हैं, लेकिन मंच की प्रस्तुति पर ऊपर वाले का हाथ होता है कि उस समय वो डर चला जाए, उस समय बस आप हो और पब्लिक हो, तो बस निकल गया। लेकिन धीरे धीरे सारे अनुभवों से यही जाना कि स्टेज फियर जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से अच्छे कलाकार का सबसे बड़ा दुश्मन वो स्टेज फियर होता है, वो चला गया तो सुनने वालों को ये लगना चाहिए आप उसके लिए गा रहे हैं, आप उसके लिए गा रहे हैं, वो बहुत अभ्यास से आता है। तो पहले प्रोग्राम में तो जाहिर है डर भी लगा, कॉन्शियस भी थी। बहुत सारे लोग हैं जो आपको देखकर, आपको सुनकर गाने की रियाज करते हैं, कोशिश करते हैं, शायद उनमें से मैं भी एक हूँ, ये यहाँ पर सबके सामने कहना चाहूँगी, लेकिन बहुत ही गंदा गाती हूँ। बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन वो भी प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं अच्छा आपकी तरह गाने के लिए, तो उनके लिए भी यहाँ पर कुछ बताइए कैसे रियाज। पहली बात तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगी, मैं लोकगीत गाती हूँ और मैं मानती हूँ कि लोकगीत कभी कोई बेसुरा गा ही नहीं सकता, ये यदि लोकगीत गा रहा है तो। घर में देखिए हमारी औरतें गाती थीं, सबने कोई शास्त्रीय संगीत की शिक्षा नहीं ली थी, जो गाती थी अच्छा लगता था, जैसे गाती थी अच्छा लगता है। ज़रूरी है कि आप क्या गा रहे हैं, पहली बात। दूसरा, यदि सीरियसली इसको करियर लेना है तो तालीम बहुत ज़रूरी है, सुर का रियाज, अपनी वॉइस पे कंट्रोल, और गाने के संग आपके ब्रेन का कनेक्ट बहुत ज़रूरी है, क्या गा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे अभ्यास से आती हैं। लेकिन अच्छे गुरु की संगत में जाएं, शास्त्रीय संगीत सीखिए और अच्छे अच्छे लोगों को सुनिए, जितना सुनेंगे जितना सीखेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा फील्ड अच्छा है, प्लेबैक, गज़ल, सूफ़ी या फोक या प्योर क्लासिकल या ठुमरी, आप अपने आप सीखेंगे, जैसा गुरु जिस मिजाज का होगा वही चीज़ सिखाएगा। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जितना अच्छा आप गाती हैं उतनी ही सुंदर आप दिखती भी हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसके बारे में हम यही कहेंगे कि जो मैं लोकगीत के लिए कहते हैं कि लोकगीत कभी बूढ़ा नहीं होता, तो लोकगीत बूढ़ा नहीं होता इसलिए हम भी नहीं बूढ़ा रहे हैं, बस। लास्ट, साधना न्यूज़ के माध्यम से जो आपके फैंस हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अच्छा सोचिए, और हर एक के लिए अच्छा सोचिए, खुद अच्छे रहिए और सारा संगीत सुनिए लेकिन लोकगीत ज़रूर सुनिए। चलिए, बहुत शुक्रिया साधना न्यूज़ से बातचीत करने के लिए।